अस्सलामुअलैकुम, पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूं राबिया रफीक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के वाकयात के सदेबाब के लिए वजीर आजम का बड़ा फैसला, मेरा बच्चा अलर्ट के नाम से एप्लीकेशन बनाने का हुक्म दे दिया। एप्लीकेशन 2 हफ्ते में तैयार कर ली जाएगी। किसी भी बच्चे की गुमशुदगी के कवायफ अंदराज की सूरत में तमाम IGs और दीगर सीनियर ऑफिसर्स तक पहुँच जाएंगे। इमरान खान कहते हैं की हुकूमत वो तमाम इकदाम उठाएगी जिससे मासूम बच्चों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। किसी ने आज़ादी मार्च करना है तो कर ले, एहतसाब से पीछे नहीं हटूंगा। वजीर आजम डट गए, काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने मौलाना फजलुर रहमान के मार्च को ब्लैकमेलिंग से तशबीह दे दी। वुज़रा और हुकूमत को अपोजिशन का डट कर मुकाबला करने का टास्क भी सौंप दिया गया। दवाओं की कीमतों में अचानक इजाफा, नैब का साबिक वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी के खिलाफ तहकीकात का फैसला। चेयरमैन नैब ने नैब रावलपिंडी को वजारत सेहत और ड्रिप के मुतलका हुकाम के खिलाफ इंक्वायरी की हदायत दे दी। दवाएं 300% तक महंगी होने पर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई थी। कीमतों में इजाफे के बाद आमिर कयानी को अप्रैल में काबीना से अलग किया गया था। बिजली सार्फीन के लिए एक और बुरी खबर, नरखों में 1.66 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा के मुताबिक इजाफा 1 माह के लिए अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इस इजाफे से सार्फीन पर 22.60 अरब का बोझ पड़ेगा। लाहौर से मियांवाली जाते हुए डिप्टी कमिश्नर मियांवाली डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की गाड़ी को हादसा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मियांवाली महफूज रहे और मामूली चोटें आई। हादसे के बाद डिप्टी कमिश्नर मियांवाली को लाहौर के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। भेरा के करीब दरियाए जेहलम अबूर करते हुए गहरे पानी में डूब जाने वाला 16 साल नौजवान की लाश ताहाल न मिल सकी। मोहम्मद उमेर मंगल की शाम वालिद और भाई के हमरा मोटरवे पुल के नीचे से दरियाए जेहलम अबूर कर रहा था। रेस्क्यू टीम और मुकामी गोताखोर लाश की तलाश में मसरूफ। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही, मजीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।